ये नजारा देख आप भी हक्के बक्के रह गए होंगे। दिल्ली के मधुविहार इलाके में मंडावली में कल रात कार पार्किंग में आग लग गई, जिसके बाद वहां खड़ी गाड़ियां धुंधु कर जल गई और अब यहां सिर्फ खाक बची है। बताया जा रहा है कि ये आग रात करीब 1:17 पर लगी थी। सुनिए, जिनकी कार जली है उन कार मालिकों का क्या कहना है। सर, रात को 10 बजे मैं ऑफिस से आया हूँ और गाड़ी खड़ी करके गया हूँ, जैसे नॉर्मल रूटीन में आता हूँ। अभी मैं तैयार हो रहा था ऑफिस के लिए और आया, आने के बाद मतलब नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहा था, मेरे सफाई वाले का फोन आया कि भैया आपकी गाड़ी जल गई है। हाथ में खाना भी नहीं खाया गया, मैं एकदम से उठा, एकदम से भागा तो देखा पूरी गाड़ी खत्म हो गई। अभी नई गाड़ी ली है मैंने, तो अभी 4-5 महीने गाड़ी को हुए, नई गाड़ी बिल्कुल अभी तो हुए आग। अभी इन्होंने यही तो नहीं बताया पार्किंग वालों ने कब गाड़ी में आग लगी है, ये बताते तो फिर बात ही क्या थी। इन्होंने बताया नहीं, वो तो पार्किंग उसका उसका फोन आया सफाई वाले का कि भैया आपकी गाड़ी जल गई है पूरी, तो सुबह अभी अभी आया। बताओ, अभी देखो इस हिसाब से तो लग रहा है 4-5 बजे के आसपास गाड़ी लगी में आग लगी हुई, गाड़ी ठंडी पड़ी है, नहीं तो अभी हाथ नहीं लगा सकते थे गाड़ी को अगर अभी रिसेंटली जड़ी होती तो। पार्किंग वाले से आपने बात करी? वो फोन स्विच ऑफ है उसका, बंदा उठा ही नहीं रहा फोन। कारण पता चल पाया? फोन तो उठाए कम से कम, कोई बात नहीं जल गई यार, अब ये तो उसमें उसकी भी क्या गलती है, वो थोड़ी, लेकिन फोन तो उठाए एटलीस्ट वो। आपको आग लगने के कारणों का पता नहीं चला? देख लो सर, आपके सामने सारी गाड़ी की, जैसे आप हो वैसी हमें इस समय पे, जैसे आप क्या पता चल रहा है कैसे लगा है कैसे नहीं लगी है, फिर आगे से जलती भी आई या पीछे से आती तो पीछे से खत्म होती गाड़ी, आगे से जलती भी आई, आप देखो आगे से जली मेरी गाड़ी। मुझे इस घटना के बारे में सुबह 7 बजे पता चला है फोन पर कि मेरी गाड़ी में आग लग गई है। तब फिर मैं मौके पर आकर अपने भाई और माँ के साथ आया, तो मैंने देखा मेरी गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी है। इस गाड़ी को मैंने लिया था 19 लाख रुपए में, आज इस गाड़ी की कीमत 0 रुपए हो चुकी है। अब मुझे क्लेम हाउस लड़ाई करनी पड़ेगी, उनको फॉर्म देना पड़ेगा। थाने में गया हूँ, वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी हम बताएंगे आपको। पार्किंग वाले से आपकी बात हुई? पार्किंग वालों के नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं, यहाँ पे उनका सिर्फ एक स्टाफ है, उनसे पूछ रहा हूँ कहाँ पर है पार्किंग वाला, तो कह रहा है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे रात को गार्ड कितने गार्ड होते हैं? यहाँ पे 2-3 लोग होते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ, और वो भी रात में, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम पे दारू चलती है यहाँ पे, शोक शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, अपना सिगरेट, अभी हाथ से किसी वजह से हो सकता है। मैं तो अभी सुबह, मेरा ड्राइवर आया, इसने मुझे बताया फोन करके कि सर गाड़ी में आग लग गई, जल्दी आओ। तो आग किन कारणों से लगी आपको? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो रात को शाम को गाड़ी खड़ी करके चला गया था। लगी ये भी आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता था, मैं तो घर से आ रहा था अपना ऑफिस जाने के लिए, तो ड्राइवर मेरा आया, इसने बताया कि साहब गाड़ी में आग लग गई, जल्दी आओ, तो बहुत नुकसान हो गया। वाले से आपकी बात हुई? कोई बात नहीं, ना कोई कॉल ना कुछ, आपको बताया भी नहीं गया? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितना किराया देते थे? 2500 रुपये मंथली।